हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनमोल जीवन में। जीवन वाकई ही अनमोल है, इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम दें आपको ऐसे टिप्स जिससे आप रहें चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। और आज के अनमोल जीवन के एपिसोड में हम लेकर आए हैं ऐसी बीमारी का रामबाण इलाज जिससे आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की। डायबिटीज़ का दर्द तो वही समझ सकता है जो इस बीमारी से गुजर रहा है। महंगी महंगी दवाइयाँ, पेनफुल इंजेक्शंस और न जाने क्या क्या आप करवाते हैं ताकि आपकी डायबिटीज़ से आपका पीछा छूट जाए। लेकिन आज ओम संस्थान की तरफ से ऐसी औषधि का निर्माण किया गया है जो कि रामबाण इलाज है डायबिटीज़ का, और इसके बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है ओम संस्थान के विशेषज्ञ अंकित कुमार जी। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि आपको उन कारणों का पता रहे और आप परहेज करें और रहें हमेशा तंदुरुस्त। तो आइए जानते हैं अंकित जी से कि डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। डायबिटीज़ के सबसे मुख्य कारण होते हैं समय पर ना उठना, अधिक से अधिक मीठे का सेवन करना और सबसे मसालेदार चीज़ों का सेवन करना, और सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा ये जेनेटिक भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोगों का बढ़ता चढ़ा आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी कारणों से हमारी ओम संस्था ने जो है एक दवाई का इजाद किया है, करेला कल्प। काफ़ी समय से इसके ऊपर रिसर्च करके हमारे अनुभवी डॉक्टर्स ने, यहाँ के विशेषज्ञों ने इस दवाई का इजाद किया है और लोगों को समय समय पर हमने ये दवाइयाँ भी दी हैं, जिसके कारण जो है अब हम चाहते हैं कि ये आप लोगों तक भी पहुँचे और लोग इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाएँ। तो अंकित जी ने बताया कि क्या क्या कारण होते हैं डायबिटीज़ के, और जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण बताया गया है एक्सेस ऑफ शुगर इंटेक। जी हाँ, अगर आप शुगर को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं, तो वो शुगर ग्लूकोज बन जाती है आपकी बॉडी में और डाइजेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। एक और कारण बताया गया है हेरिडिटरी फैक्टर, यानी कि अगर आपकी फैमिली में से पहले से ही कोई डायबिटीज़ का शिकार है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके भी डायबिटिक होने के लिए, और इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने खान पान पर ध्यान देने की और अपने शुगर इंटेक पर चेक लगाने की, कंट्रोल लगाने की, कि आप शुगर का जो सेवन है वो बिल्कुल नियमित मात्रा में लें। और लेकिन भगवान ना करे अगर डायबिटीज आपको हो जाती है, तो इसके लिए ओम संस्थान ने एक रामबाण औषधि निकाली है करेला कल्प, जो कि न सिर्फ डायबिटीज़ को धीरे धीरे कम करता है बल्कि जड़ से खत्म भी कर देता है। तो आइए जानते हैं अंकित जी से कि क्या क्या कंपोजिशन है करेला कल्प की जो कि ये इतना कारगर है। हमारे ओम संस्थान के विशेषज्ञों ने लंबे रिसर्च के बाद ये मेडिसिन करेला कल्प तैयार की है, जिसके अंदर औषधि जो मिलाई गई है वो करेला, जामुन, जिंजर, अदरक, ऐसी बहुत सी जो है औषधियाँ मिलाकर इसे तैयार किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा ऐसे बहुत से लोग हैं जो मधुमेह से दिन ब दिन लड़ रहे थे या उनको इस तरीके के कोई भी फ़ायदे नहीं हो रहे थे, तो हमारी ओम संस्थान ने उन लोगों को ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड कराई, यानी ये हमारी आयुर्वेदिक दवाई मेडिसिन जो है प्रोवाइड कराई और उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। तो इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आपके पास भी ये दवाइयाँ पहुँचें और आप पूरी तरीके से उसका फ़ायदा और लुत्फ़ उठा सकें। तो देखा आपने, अंकित जी ने बताया किस तरह से करेला कल्प में जो भी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है ताकि वो एक रामबाण इलाज बने पुरानी से पुरानी डायबिटीज़ के लिए। और करेला कल्प की बात करें तो इसमें जामुन, करेला, जिंजर, हल्दी और भी कई सारी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं जिनको कि प्रॉपर रेशो में मिलाया गया है, जिससे ये बहुत ही कारगर औषधि बनती है। तो आइए अब अंकित जी से जानते हैं कि इनमें जो भी जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं। हमारी करेला कल्प औषधि के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है करेला, इसमें निश्चित रूप से मिलाया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो करेला है हमारी मेन औषधि में काम करता है, ये हमारे शरीर के इंसुलिन को बराबर रखता है, नियंत्रण रूप से काम करने में पूरी तरीके से कारगर है और ये हमारी शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में जो है पूरी तरीके से काम करने के लिए एक क्षमता बढ़ी रहती है। तो जहाँ बात डायबिटीज़ की हो रही है वहाँ करेले का जिक्र होना तो लाजमी है, और करेला कल्प में मिलाया गया है, बिल्कुल अनुरूप मात्रा में मिलाया गया है, जिसकी वजह से आपकी जो पैंक्रियाज है वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं और इंसुलिन जनरेशन जो है प्रॉपर होता है, और इसी वजह से आपका जो शुगर है, आपका जो ग्लूकोज है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आप डायबिटीज़ से बचे रहते हैं। तो देखा आपने कि कितना फ़ायदेमंद है करेला कल्प में करेले का जो प्रॉपर अनुपात मिलाया हुआ है वो। चलिए अब जानते हैं अगली औषधि के बारे में कि अगली कौन सी जड़ी बूटी है जो कि करेला कल्प में कारगर है।
हमारी करेला कल्प औषधि के अंदर दूसरी जड़ी बूटी पाए जाने वाली जो है वो है जामुन। जामुन एक ऐसा फल कहा जा सकता है जिसके अंदर हमारे ऐसे विटामिन और लोह पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी खून की क्षमता को पूरी तरीके से नियंत्रण और सर्कुलेशन में रखता है, जिससे हमारे शरीर में एक ऊर्जा रहती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरी तरीके से हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रण रखने में पूरी तरीके से कारगर साबित होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जहाँ जामुन में आयरन और विटामिन सी तो होता ही है, वहीं जामुन की तासीर ठंडी होती है, जिससे आपका बॉडी जो है बॉडी टेम्परेचर वो ठंडा रहता है। और खास बात की जाए जामुन की, तो ये ब्लड प्यूरिफायर करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, यानी कि जो आपके ब्लड में एक्सेस ऑफ शुगर लेवल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में जामुन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो करेला कल्प के फायदे हम आपको बता रहे हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की रामबाण इलाज है, रामबाण औषधि है करेला कल्प, ओम संस्थान की तरफ से बनाई गई है। और आप भी अगर डायबिटीज़ से पीड़ित है या फिर आपके कोई चाहने वाले डायबिटीज से पीड़ित है, तो देर मत करिए, फोन उठाइए और अभी डायल करिए ओम संस्थान की करेला कल्प। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, डायल करिए और फौरन मंगवाइए और फिर देखिए किस तरह से आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। और इसी के साथ अंकित, अगली जो जड़ी बूटी है करेला कल्प में उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। करेला कल्प के अंदर तीसरी जो मेन औषधि होती है वो है अदरक यानी कि जिंजर, जो हमारे जो है सबसे ज्यादा डाइजेशन पे काम करता है, यानी कि जिन लोगों को टाइप 2 की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ में, उसमें ये पूरी तरीके से डायबिटीज़ को नियंत्रण रखने में पूरी तरीके से साबित होता है। और जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, जब आपकी डाइजेशन ठीक से होगा तो उसमें जो है आपकी इंसुलिन भी बराबर रहेगा, पूरी तरीके से नियंत्रण काम करेगा, तो डायबिटीज़ आपकी जाहिर सी बात है कि काबू में ही रहेगी। जी फ्रेंड्स, तो देखा अंकित जी ने बताया कि किस तरह से अदरक फायदेमंद है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करने में अदरक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अदरक से डाइजेशन प्रॉपर रहता है। तो जब डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, आप जो भी खाएंगे, जो भी इनटेक लेंगे, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और प्रॉपर मात्रा में कन्वर्ट होगा, यानी कि कुछ भी एक्सेस में शुगर आपकी बॉडी में नहीं बची रहेगी और इसी वजह से आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और साथ ही साथ अदरक है तो डाइजेशन में हेल्प करेगा ही करेगा, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स यानी कि पेट की प्रॉब्लम्स की बात करें तो गैस से भी ये दूर रखता है। तो करेला कल्प में ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं बिल्कुल प्रॉपर अनुपात में मिलाई गई हैं, ताकि आपको 100% बेनिफिट इससे मिल सके, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो आप देर मत करिए, फोन उठाइए और डायल करिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए गए हैं, और अभी मंगवाइए करेला कल्प और देखिए किस तरह से इसके नियमित सेवन से आपकी पुरानी से पुरानी डायबिटीज भी जल्द से जल्द उड़नछू हो जाएगी। डायबिटिक पेशेंट करेला कल्प मंगवाने के लिए अभी कॉल करें, हमारे टोल फ्री नंबर है 1-800-41-94892। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9810-989889। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे जब मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन्स उपलब्ध हैं जो कि डायबिटीज से निजात दिलाते हैं, तो फिर आप करेला कल्प को क्यों प्रेफर करें? बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ज़रूर आपको मिलना चाहिए। चलिए अंकित जी से पूछते हैं कि ऐसा क्या खास है करेला कल्प में जो कि बाकी दवाइयों से बिल्कुल अलग है और इसे ही प्रेफर करना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बाज़ार में इतनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होने के बावजूद कि करेला कल्प को ही क्यों इस्तेमाल किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, करेला कल्प इस्तेमाल करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसे हमारे जितने भी विशेषज्ञ, आयुर्वेद के विशेषज्ञ, सब लोगों ने मिलके इसके ऊपर रिसर्च करके काफ़ी सालों बाद इसको बनाया है। और बनाने के बावजूद यही नहीं कि इसको आपको निश्चित अनुपात में देना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि करेले को आप निश्चित रूप से लेते रहो, या सिर्फ करेला खाने से या सिर्फ जामुन खाने से आपका अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कर चुके होते, पर ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन रीज़न जो है करेला कल्प को लेने का ये है कि इसके अंदर जो है, इसके इंग्रीडियंट्स को, इसके अंदर जो औषधियाँ मिलाई गई हैं उसको बराबर अनुपात में लेने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ना ही कि अकेला करेला खाने से या जामुन लेने से या किसी और औषधि से या बाज़ार में किसी और औषधि को लेके आप सोचो कि उसको एक बार में। और आपको मैं थोड़ा इस पर भी नज़र डालना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि अगर वो एक बार ही उस दवाई को खा ले तो उनको तुरंत फ़ायदा मिल जाए। मैं आपको ये भी निश्चित रूप से साफ साफ बताना चाहूँगा, किसी भी दवाई को एक बार खाने से कभी भी जड़ से कोई चीज़ नहीं जाती या निश्चित रूप से कभी भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या फिर आपकी होम्योपैथिक हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस दवाई को लेने का सबसे मेन कारण है
कि इस दवाई को जो है निश्चित रूप से आपको जो दिया गया है बराबर सोच विचार के उस तरीके से यहाँ पे हमारे जितने भी लोगों पे काफ़ी लोगों को ये दवाई देने के बाद रिसर्च होने के बाद और अच्छे परिणाम लेने के बाद ही ये दवाई आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस दवाई को लेने के बाद आपको निश्चित रूप से पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। आपने आई एम श्योर अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि किस तरह से करेला कल्प बाकी सारी दवाइयों से अलग है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आइए अब अज्ञे जी से जानते हैं कि जब आप करेला कल्प का सेवन कर रहे हैं इसके साथ साथ खान पान पर किस तरह का परहेज किया जाना चाहिए। यहाँ परहेज की बात करें तो परहेज कुछ खास परहेज नहीं करने होते हैं, यहाँ नॉर्मल परहेज करने होते हैं। नॉर्मल परहेज में आपको जितने अधिक से अधिक मसालेदार खाना नहीं खाना होता, मीठे का सेवन ज़्यादा नहीं करना होता, और अगर हो सके तो व्यायाम सुबेरे करें और करेला कल्प औषधि को नियमित रूप से लेते रहें, आपका जितना भी डायबिटीज़ है वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। और हमारी इस औषधि के साथ साथ एक डाइट चार्ट भेजा जाता है जिसमें आपके पूरे साल का खान पीन उसमें लिखा होता है, उसके हिसाब से नियमित रूप से खाएं पिएं, आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने जिस तरह से अंकित जी ने बताया कि बहुत ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस नियमित रूप से खाना खाना है, सुबह शाम व्यायाम करना है और थोड़ा सा अपने मीठे पर कंट्रोल रखना है। अगर आप बाहर मिल रही दवाइयों पर रिलाई करते हैं जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल करती हैं तो उसके साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और बहुत सारे परहेज भी आपको करने पड़ते हैं, लेकिन करेला कल्प का अगर आप सेवन करते हैं तो इन सभी चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो ज़रा सी मेहनत, ज़रा सा व्यायाम और खाने पीने के ध्यान के साथ साथ करेला कल्प का सेवन अगर आप करेंगे तो डायबिटीज़ यकीनन टाइम टू टाइम बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। तो देर मत करिए, फ़ोन उठाइए और अभी डायल करिए, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, और ऑर्डर करिए, मंगवाइए करेला कल्प और फिर देखिए किस तरह से आपकी डायबिटीज आपको हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाएगी। ओम संस्थान के द्वारा औषधियां जो उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनके बारे में बात हो रही है, करेला कल्प के बारे में हमने बताया। तो आइए अंकित जी से जानते हैं कि ओम संस्थान और कौन कौन सी औषधियां उपलब्ध करवाता है। ओम संस्थान हमारे पास जो है हर तरीके की मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। इनमें जो है घुटने की, आंखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, और कुछ हमारे माताएं बहनों को मासिक धर्म की और बेबी कंसीव की भी दिक्कत रहती है, तो इन दवाइयों को भी ओम संस्थान आप लोगों तक पहुंचाता है। और मैं बताना चाहूँगा आप कि इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी भी वक्त आप हमारे नंबरों पर कॉल करके ले सकते हैं। तो देखा आपने करेला कल्प के कितने फायदे हैं, बिना साइड इफेक्ट्स के आपको डायबिटीज से निजात मिलती है। तो अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं या फिर आपके कोई चाहने वाले डायबिटीज की शिकायत रखते हैं तो देर मत करें, अभी कॉल करें और मंगवाएं करेला कल्प और फिर देखिए किस तरह से आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है करेला कल्प बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अंकित जी शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए कि आपने ये जानकारी साझा की किस तरह से डायबिटीज से बचा जा सकता है और करेला कल्प किस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ये था हमारा अनमोल जीवन का आज का एपिसोड और हमारी कोशिश रहती है कि अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते रहें रोजमर्रा की जो भी छोटी मोटी या बड़ी बीमारियां हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है आयुर्वेद के सहारे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। डायबिटिक पेशेंट करेला कल्प मंगवाने के लिए अभी कॉल करें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800414892। आप हमें अपनी समस्याएं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप संपर्क नंबर है 9810989889। ओम संस्थान के विशेषज्ञ आपके उपचार हेतु पूरी जानकारी देंगे और उपचार की औषधि भी आपको दी जाएगी। पूरे भारत में कहीं से भी कॉल करें और घर बैठे पाएं फ्री होम डिलीवरी। यदि आपकी कोई भी समस्या या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप जरूर कॉल करें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800414892। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9810989889।